नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल खाना खजाना विद सास बहू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बूंदी के लड्डू। 2 कप बेसन, जिसके लिए हम जो मेजरमेंट वाला 1 कप है उसे 2 कप बेसन लेंगे। यहाँ पे छन्नी की सहायता से हम इसको छान लेते हैं। अब हम ये बूंदी के लड्डू बनाने के लिए घोल तैयार कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको हिलाते जाएंगे। और इसको अच्छी तरह से इसका घोल तैयार करना, एक भी लम्स नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें हम फूड कलर ऐड कर रहे हैं। आपकी वो मर्जी है, करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो कोई वो नहीं है। अब ये हमारा घोल बन करके रेडी हो गया है। इस तरह का ही बनाना है, ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा गाढ़ा। और आपके पास झारा नहीं है बनाने के लिए, तो आज हम आपको बिना झारे के ही बूंदी बना करके दिखाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे इस कद्दूकस की सहायता से बूंदी बनाना, और इससे बहुत बारीक बारीक बूंदी निकलेंगी। और अपनी गैस को तेज ही रखना, मीडियम नहीं रखना, तेज पे बनाएंगे तो ये फूल करके आएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, ये एकदम यूनिक स्टाइल है। हमारी मम्मी जी आज कद्दूकस की सहायता से बूंदी बनाने जा रही हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम तेल चेक कर लेते हैं कि हमारा हुआ है या नहीं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ, देखिए कितनी फटाफट निकल रही है बूंदी, एकदम बारीक बारीक। ये देखिए हमारी बूंदी बनके तैयार है, और हम इसको एक छन्नी में निकाल लेते हैं नीचे बाउल रखकर, जिससे हमारा जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकाल जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरह से हम अपनी सारी बूंदी बना लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी सारी बूंदी बनकर तैयार हो गई है, और अब हम चाशनी बना लेते हैं। ये हमने 1 कप चीनी ली है। फ्रेंड्स हमें 2 कप बेसन की बूंदी के लिए यहाँ पे 1.5 कप चीनी की चाशनी बनाकर तैयार करनी है, और यहाँ पर हम ये 2 कप पानी डालेंगे इसमें। और हमने यहाँ पे चाशनी बनने रख दी है। इस तरह से इसको चला के इस तरह की चाशनी हमको तैयार करनी है। ये थोड़ी चिपचिपी सी होने लगेगी, फिर इसके अंदर हमको बूंदी डाल के भी पकाना है। हम इसको चलाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर इसमें उबाल पड़ गया है, हम थोड़ा सा और पकाएंगे अभी इसको। देखिए गाइस, अब इसको बंद कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सारी चाशनी सूख चुकी है, अब हम इसको जरा सा
ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम लड्डू बनाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ हमने बड़ी सी परात में इसको बूंदी को ठंडा करने के लिए निकाल दिया है और थोड़े से मगज यहाँ पे डाल दिए हैं हमने, मगज यानी कि खरबूजे के बीज। फ्रेंड्स ये देखिए बूंदी ठंडी हो चुकी है और हमारी मम्मी जी ने लड्डू बनाना शुरू भी कर दिए हैं। ये देखिए आप किस तरह से बना रही हैं और दो लड्डू बना भी दिए हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। आप लोग बनाइए, एंजॉय कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसे बने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।